कंपोज समाप्त करें और मतला टूटा फूटा आपके सामने रख रहा हूं। उम्र भर अश्क को उम्र भर अश्क को पीने की सजा मत देना, सजा मत देना। दोस्तों अब मुझे जीने की दुआ मत देना, वो दुआ मत देना। मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। मोहब्बत के ये आंसू हैं, इन्हें आंखों में रहने दो। शरीफों के घरों का मसाला बाहर नहीं जाता। मुझे सुनाते हुए खुशी हो रही है आप लोगों को, और आज की रात बहुत महंगा बेच रहा हूं ये शेर। महंगे से मुराद इसकी नहीं है, आप जानते हैं। मेरे सामने जौहरी ऐसे बैठे हैं कि बस मैंने ऐसे हीरे फेंक दिए हैं। जनाब शेर सुने बेटा। अरे मेरे दुश्मन इतना नाराज हो गया मेरे गाने से। सिराज भाई ये थाले को जल्दी से भेज दीजिए। दोस्तों अब मुझे जीने की दुआ मत देना। शेर सुने। राह शोहरत में बहुत धूल उड़ा करती है, परखना आपका काम। राह शोहरत में
दाग किरदार के दामन पे लगा मत देना, हो लगा मत देना। तू किसी और से ना हारेगा, तू किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। तू किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा, और तुझको दस्तार जिसने बख्शी है तेरा सर भी वही उतारेगा। ये शेर जो मैं रख रहा हूँ मेरे अजीजों को सुनाने के लिए, और यश भाई इस शेर में जो मैंने शेरी ताल्लुक से मेहनत की है, शायद के मेरे माँ बाप की दुआएं कि ऐसा शेर मुझसे हो गया। दर्शक भाई शेर सुनना। भाईजान मैं आपका नाम नहीं जानता, मोइन भाई, मोइन भाई, यश भाई बिल्कुल मुतवज्जा हो जाए ये शेर पर। इनायत भाई मेरे बुजुर्गवार मुझे हमेशा सुनते रहते हैं, मैं टूटा फूटा कैसा भी हूँ कुछ भी हूँ, लेकिन बस मोहब्बत से मुझे सुन लेते हैं, बड़ी बात। बशीर भाई शेर सुनना। वक्त रुखसती शेर सुनना चाहते हैं, गाना तो मैं क्या सुनाऊंगा कुछ भी नहीं, मगर शेर कसम खुदा की ये मेरे माँ बाप की दुआओं का असर है। वक्त रुखसत ये जनाजे ने मेरे सबसे कहा, आशिकाना शेर बहुत सुनेंगे आप मेरे यार से, मगर गजल का शेर दे रहा हूं, म्यार का शेर दे रहा हूं। वक्त रुख सत सच्चाई से भरपूर वक्त रुख सत ये जनाजे ने मेरे सबसे कहा, अब नहीं आऊंगा तुम मुझको किशोर वर्मा कहते हैं कि हवा से कह दो
कि यूं खुद को आजमा के दिखाए, हवा से कह दो कि यूं खुद को आजमा के दिखाए, बहुत चिराग बुझाती है। एक जला के दिखाए, हवा से कह दो कि यूं खुद को आजमा के दिखाए, बहुत चिराग जलाती, बहुत चिराग बुझाती है। एक जला के दिखाए, हयात वालों, हयात वालों सुनो, ये हुआ खफा होना, मैं जा रहा हूं, मुझे अब कोई मना के दिखाए। काफी है, शेर ऐसा पढ़ रहा हूं साहब, और जावेद भाई अक्सर ये शेरों में मेरी जिंदगी है, और आप तक पहुंच गया, आप लोग ने समझ लिया तो समझोगे मेरी मेहनत उसूल। हाय हाय इनाद भाई, फर्शे अखलाक, यस भाई शेर समझना, फर्शे अखलाक नजर आना सके आंखों को, फर्शे अखलाक नजर आना सके आंखों को, फर्शे अखलाक नजर आना सके आंखों को, फर्शे अखलाक सादिक भाई, गजल के सुनने वालों से जो मेयार सुनते हैं, फर्शे अखलाक नजर आ न सके आंखों को, तुम मुझे ऐसी बुलंदी पे बिठा मत देना, बिठा मत सिराज भाई, यहाँ पर माशाल्लाह ये बच्चे इंग्लैंड से जो आए हैं, आप आए मोइन भाई, शेर सुनना, तुझको परदेश की गलियां हो मुबारक, लेकिन मैं अपने इंतखाब से मजबूर हूं, हल्के शेर पढ़े नहीं जाते मुझसे, कुछ ऐसा चाहता हूं कि कुछ
इंतखाब रखूं आपके सामने। नईम अख्तर कहते हैं कि चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, वक्त ने कर दिया दुनिया के हवाले मुझको। चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, वक्त ने कर दिया दुनिया के हवाले मुझको। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। तुझको परदेश की गलियां हो मुबारक, लेकिन इलियास भाई आप भी ज्यादातर परदेश में रहते हैं। तुझको परदेश की गलियां हो मुबारक, लेकिन दिल से लेकिन मेरी, दिल से लेकिन मेरी यादों को भुला मत देना, भुला मत देना। आंखें गई, सुरूर गया, लत चली गई। आंखें गई, सुरूर गया, लत चली गई। तुम क्या गए कि सारी जरूरत चली गई। कमल किशोर है, माशाल्लाह बहुत अच्छा कहते हैं। आंखें गई, सुरूर गया, लत चली गई। तुम क्या गए कि सारी जरूरत चली गई। और तुमको पता है, तुमको पता है तुमसे बिछड़ने पे क्या हुआ। हमको अकेला छोड़ के हिम्मत चली गई। तुमको पता है तुमसे बिछड़ने पे क्या हुआ। हमको अकेला छोड़ के हिम्मत चली गई। जनाब शकील आजमी कहते हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। आइए जनाब एक शेर, उसके बाद मक्ता। गजल का एक शेर, उसके बाद मक्ता। मगर ये शेर भी सुनने से ताल्लुक रखता है मोइन भाई, गजल के सुनने वालों से। जो लोग गजल को महबूब नहीं बल्कि जिंदगी समझते हैं, वैसे तो गजल के असल मायने महबूब के हैं, लेकिन मैं अपनी गजलों में जिंदगी डालने की कोशिश करता हूं। देर सूरज के उजालों को भी हो सकती है, जल्दबाजी में चरागों को बुझा मत देना, बुझा मत सुने। मगर ये चारों मिसरे तो मैं जब मैंने पढ़ा तो दिमाग हिल गया। कहते हैं कि अजब है दौर, ना शायर यहां पर सर उठाते हैं, अजब है दौर, ना शायर यहां पर सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं।
अजब है दौर ना, शायर यहाँ पे सर उठाते हैं, जो शायर है वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं, तुम्हारे शहर में मैयत को भी कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। अगर मक्ता पसंद आ जाए तो दुआ दे दीजिएगा, नजराने से तो आप लोग नवाज रहे हैं माशाल्लाह, बहुत सारा नजराना हम दोनों फनकारों को मिला, और जितना मकसूम में लिखा होता है उतना ही मिलता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये मक्ता जो मैं पढ़ रहा हूं अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे दुआ दे दीजिएगा। जख्म तलवों के मुसाफिर से ये कहते हैं अजीम, मुसाफिर से ये कहते हैं अजीम, राह की ठोकरे मंजिल पे भुला मत देना, ओ भुला मत देना, राह की ठोकरे मंजिल पे भुला मत देना, भुला मत देना, मंजिल पे भुला मत देना, भुला मत देना, दोस्तों अब मुझे जीने की दुआ मत देना, दुआ मत देना, दोस्तों अब मुझे जीने की दुआ मत देना, दुआ मत देना। बहुत बहुत शुक्रिया।